दया याचिका के निपटारे में जो देरी हुई है उसके लिए मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने सीधे तौर पर कांग्रेस के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद भुल्लर द्वारा किए गए हमले का शिकार हुए MS बिट्टा कांग्रेस पार्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरसे। 93 में हमले के वक्त बिट्टा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने हमले से पहले उनकी सुरक्षा घटाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवादियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने उन्हें भुल्लर के खिलाफ चुप रहने की हिदायत दी थी। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के नेता और मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा भुल्लर का केस लड़ने पर भी एतराज जताया। साथ ही कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी भुल्लर को बचाती रही हैं। दिल्ली सरकार के दबाव में ही भुल्लर की मानसिक स्थिति खराब होने का सर्टिफिकेट दिया गया। जब मेरे ऊपर 1992 में ब्लास्ट हुआ, 35 लोग मारे गए, 90 जख्मी हुए, 1993 में मुझे मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ ले आई, फिर मेरी सुरक्षा 15 दिन में ले करके क्यों हटाई गई, तो मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरी पार्टी ने नहीं, मेरी लीडरशिप ने आतंकवादियों से डरते हुए मुझे अकेला छोड़ दिया। इन्होंने कुर्सी सदा से दोस्ती कर ली। मैंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के असूलों पर चलते हुए मौत से दोस्ती कर ली और आखिरी दम तक राजीव गांधी को कातिलों को फांसी दिलाने के लिए भी मैं लड़ूंगा। कपिल सिब्बल भुल्लर का वकील बन के केस क्यों लड़ा? मैंने कांग्रेस के लिए देश के लिए गोलियां खाई। अंबिका सोनी ने मुझे क्यों कहा भुल्लर के मामले में चुप हो जाइए? मैंने एक ही बात कही अंबिका सोनी को, मेरी बात कोई नहीं, जो मेरे साथ जवान शहीद हुए, जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए, मैं उनकी शहादतों के साथ अपमान नहीं करूंगा। आज उनको खुशी हो गई, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। शीला डिस्ट्रिक्ट सरकार ने बुल्लर को मेंटल करार दिया, खुलकर के मदद की, मुझे गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जो मारा वो मुझे एटम बम्बों की तरह लगते हैं, जो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मारती है। मैं आतंकवादियों का पीड़ित नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूँ। मैं इनसे कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ बनाइए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जितनी भी फांसी रुकी है इसके पीछे वोट की राजनीति है। कहीं हमें तमिल वोट चाहिए, अगर अफजल को फांसी होती मुस्लिम वोट चाहिए, भुल्लर की फांसी अगर रुकती है तो हमें सिख वोट चाहिए। ये टोटल वोट बैंक की राजनीति है, किसी को देश का आज फिक्र नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका है एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन कर दो, जो सदाए मौत या उम्र कैद का फैसला सुनाए। कोई अपील ना होम मिनिस्ट्री में जाए, ना लॉ मिनिस्ट्री में जाए, ना राष्ट्रपति के पास जाए।